अपने आप को हमेशा सही मानना एक तरह का दिमागी बीमारी है। कुछ लोग अपने एजेंडे अपने दिमाग के हिसाब से चलाते हैं। कुछ लोग अपने एजेंडे को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक दोगले आत्मा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है ध्रुव राठी। उन्होंने दिल्ली के दंगे के ऊपर एक वीडियो बनाया है। उनको धन्यवाद है कि वो इस बार बड़ी बड़ी ग्राफ और चार्ट्स नहीं दिखाए हैं। चलिए उनके वीडियो का कुछ पार्ट देखते हैं। पहली चीज ये है कि ये जो दंगों का माहौल है ये सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से क्रिएट किया जा रहा था। तो मित्रों बटन दबाओ, तब इसने कुर्सी के साथ बना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे करण शाहीनबाग के अंदर। बीजेपी की पूरी इलेक्शन कैंपेन ही हिंदू मुसलमान शाहीनबाग पर आधारित थी। ऊपर से जब ये बीजेपी लीडर्स रैली निकालते थे तो क्या स्लोगन उठाते थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। प्रॉब्लम देख रहे हो स्लोगन में क्या है दोस्तों, ये बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं आम जनता को कि तुम हथियार उठाओ, गोलियां उठाओ और उन लोगों पर गोलियां चला दो जिसे तुम गद्दार समझते हो। तो दोस्तों उनकी पूरी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सिर्फ उन्होंने बीजेपी को ही निशाना बनाया है। क्या उस दंगे के पीछे सिर्फ बीजेपी का ही हाथ है? उनका कहना है कि बीजेपी के ही भड़काऊ भाषण से ये सारे दंगे हुए हैं। शायद मोदी जी ने पेट्रोन पे राठी साहब को दान देना भूल गए हैं। अब ये वीडियो देखिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला वहां बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा कि नाम का पठान साहब कैसे बयानबाजी कर रहे थे। शायद ये वीडियो राठी साहब ने नहीं देखा या देखना ही नहीं चाहते। राठी साहब जो दिखाना है पूरा दिखाइए, अगर वीडियो नहीं मिलता तो हमें कृपया बोलिए, हम आपको भेज देंगे। आप रवीश जी से लेंगे तो ऐसे ही एक तरफा वाला वीडियो मिलेगा आपको। अब क्या बोलूं, अब झूठे थे सुना था पर आज देख लिया। इससे साफ पता चल रहा है कि आपका दुकान कैसे चल रहा है। आपसे निवेदन है कि देश से बाहर रहकर देश को खोखला ना कीजिए। अगर इतना ही शौक है तो घर से बाहर आकर देश संभालिए। मेरे सारे श्रोताओं से ये निवेदन है कि आप लोग ऐसे एक तरफा न्यूज़ के ऊपर विश्वास ना करें। आप खुद का दिमाग लगाइए, ज़रा सोचिए, अगर इनको सच बताना था तो ये सिर्फ बीजेपी पर अपना निशाना क्यों साधते? इनको बारिश पठान का जो बयानबाजी था उसके ऊपर ये लोग क्यों नहीं बोले? ऐसे भड़काऊ भाषण सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे कई लोग दे चुके हैं, पर राठी साहब को तो बस बीजेपी को ही बदनाम करना है। इसीलिए साफ पता चलता है कि राठी साहब का बीजेपी को ही ब्लेम करना उनका इरादा है। इससे पता चलता है कि ये हमें सच बताना नहीं चाहते, हमको बस बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। मेरा निवेदन, आप किसी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट मत कीजिए, आप सच्चाई के साथ चलिए। क्या सही है क्या गलत है उसी को पहचानिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.